नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी ने सरकार पर बीते 7 अप्रैल को हवाई बमबारी का आरोप लगाया था। कमेटी के आरोपों पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आज इस प्रकार की बातें कहकर नक्सली अपनी हताशा बता रहे हैं, पर हम तो सभी से आग्रह करते हैं कि मुख्य धारा में आकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का पालन करें, बस्तर की तरक्की और विकास की सेवा में सहयोग करें। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हम बस्तर का विकास चाहते हैं, बस्तर में रहने वाले लोगों का विकास चाहते हैं। बस्तर जिसे प्रकृति ने अपर आशीर्वाद दिया है, उसके विकास के लिए वहां रहने वाले आदिवासी भाई बहन और सबका विकास हो, हम बच्चे, इसके लिए बस्तर का विकास आवश्यक है। देखिए, आज इस प्रकार की बातें कहकर नक्सली अपनी हताशा बता रहे हैं, पर हम तो सभी से आग्रह करते हैं कि मुख्य धारा में आकर जुड़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करें, बस्तर की तरक्की और विकास में सहयोग करें। ये हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और हम बस्तर का विकास चाहते हैं, बस्तर के रहने वाले लोगों का विकास चाहते हैं। बस्तर जिसे प्रकृति ने अपार आशीर्वाद दिया है, अपार कृपा है, उसके विकास के लिए वहां रहने वाले आदिवासी भाई बहन और सबका विकास हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, इसके लिए बस्तर का विकास आवश्यक है। इसलिए विकास के मुख्य धारा में जुड़े, निश्चित रूप से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।